Hello everyone, welcome back to my classes. So guys, I'm back with the second part of the PYQs. Remember, last video में मैंने बताया था कि मैंने PYQs को तीन parts में divide किया है based on all these topics. ठीक है, I'll again repeat the name of the topic. That's pollination, agents of pollination, outbreeding devices, pollen-pistil interaction, and artificial hybridization. ये सभी topics हमने cover किए थे male and female part of flower discuss करने के बाद, और अभी मैं लेकर आई हूँ इनका PYQ part 2. तो चलिए let's begin. Again, this video is consisting of another set of 10 questions. So please bear with me for those 10 questions. Question number 1. Flowers which have single ovule. वापस आ गया वही question जो हमने पिछले part में किया था. मैंने बताया था single ovule ovary में कब होता है? In the case of wind pollinated flowers. ठीक है जी. They are packed in groups जिसको हम बोलते हैं inflorescence. So they are usually pollinated by wind. Direct answer. ठीक है जी, इसके सारे फ्लावर्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं और वहीं पर विंड पॉलिनेशन होती है. दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2017 एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस है. क्वेश्चन नंबर 2, अ डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट. हमने दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डायोशियस प्लांट्स वो होते हैं जहां पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं पूरे प्लांट में एक ही जेंडर के, कि पूरा प्लांट ही फीमेल है. ठीक है जी, सो दिस प्रिवेंट्स बोथ. अब ऐसा चीज जिसमें दूसरा जेंडर है ही नहीं, दूसरे प्लांट से ही आएगा पोलन अगर आएगा तो, सो दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गाइटोनोगेमी. ऑटोगेमी एंड गाइटोनोगेमी, ये भी नीट 2017 का क्वेश्चन है जी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया. आप नोटिस कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से, सिर्फ कुछ रेयर हैं जो घुमाए गए हैं. Which of the following statement is not correct? मतलब हमें incorrect बतानी है, ठीक है? Insects that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen nectar robbers. एकदम correct. याद है ना वो चोर. Next, pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components. बिल्कुल, हमने पढ़ा था कि pistil और pollen की interaction में chemicals का बहुत ही important mediated role है. Some reptiles have also been reported as pollinators in some plant species. Yes, absolutely correct. Kuch animals, kuch reptiles, kuch insects, kafi sare pollinators dekhe gaye. Pollen grains of many species can germinate on the stigma of flower, but only one pollen tube of same species. अरे भाई, अगर ऐसा होने लग गया तो plant breeding का तो concept ही खत्म हो जाएगा. ऐसा नहीं है. ठीक है जी, this is not true. So the incorrect statement is D. Pollen grain germinate होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि सेम स्पीशी का ही प्लांट पोलन ट्यूब बनाएगा. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता. दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन नीट 2016. अगर आपको इस पर डाउट भी होगा तो यू आर वेरी श्योर अबाउट ऑल दीज थ्री अबव. देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स. हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया था. नेक्टर and pollen are the major important floral rewards. Apart from that, कुछ plants space दे देते हैं animals के egg lay करने की, जैसे Amorphophallus था, जैसे moth and yucca था, है ना? तो यहाँ पर nectar and pollen option एक direct ही दिख रहा है. AIPMD 2015 में ये question पूछा गया था. Question number 5, which one of the following may require pollinator but is genetically similar to autogamy? पहले तो अपना कॉन्सेप्ट याद करके बताइए. जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी थी हमारी गाइटोनोगेमी. गाइटोनोगेमी वाज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, तो इनमें से किस में हमें पॉलिनेटर्स की जरूरत होगी? गाइटोनोगेमी. दिख रहा है, करेक्ट, क्योंकि गाइटोनोगेमी का मतलब है कि एक ही प्लांट पे दो फ्लावर्स है, तो उस फ्लावर से इधर तक आने के लिए हमें पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ सकती है. Question number 6, which one of the following statement is not true? Again, incorrect पूछा गया है, 2015 का question है. पढ़ते हैं एक एक करके statement. The flowers pollinated by flies and bats secrete foul odor. Remember, पिछली वीडियो में भी था ऐसा question. So, ठीक है, ये तो सही है बात. Honey is made by bees by digesting pollen collected from flowers. ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने भाई कहीं? मैंने तो नहीं पढ़ा इस चैप्टर में. चलिए आगे देखते हैं. Pollen grains are rich in nutrients and used in the form of tablets and syrups. हाँ, ये तो पढ़ा था. इसकी तो फोटो भी दिखाई थी मैंने वीडियो में कि, और फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा यूज किया जाता है. Moreover, in athletes, ठीक है ना?
Pollen grains of some plants cause severe allergies and bronchial afflictions. Yes, this was also written in pollen grains. So the answer is option B, which is not correct. क्योंकि हनी ऐसे तो नहीं बनती कि वो पोलन को डाइजेस्ट करे. ठीक है, इट्स नॉट मेड फ्रॉम दैट. क्वेश्चन नंबर 7, गाइटोनोगेमी किसको इन्वॉल्व करता है? गाइटोनोगेमी इज नॉट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, राइट? फर्टिलाइजेशन होती है फ्लावर की, क्या, बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. यस, पहला ही सही लग रहा है हमें तो. चलो बाकी पढ़ के देखते हैं. बाय पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर, ये तो ऑटोगेमी है. फ्रॉम अनदर प्लांट, ये जीनोगेमी है, ये भी जीनोगेमी है. सो द आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 8, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी. क्लिस्टोगेमी कौन से फ्लावर्स थे? क्लोज्ड फ्लावर्स. उनके एडवांटेज ये थी कि वो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, उनको कभी पॉलिनेटर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती. सो दे आर हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी. नो, जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो उनमें है ही नहीं. मोर विग्रेस ऑफस्प्रिंग, नहीं. नो डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर्स, यस दिस इज ट्रू. उनको जरूरत नहीं है पॉलिनेटर्स की. क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीट 2013. क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगेमस, बंद है तो ऑब्वियसली ऑटोगेमस ही होंगे. जीनोगेमी अकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन. क्यों भाई, इंसेक्ट और वॉटर ने क्या बिगाड़ा? ऐसा कुछ नहीं है. कैस्मोगेमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल. कैस्मोगेमस तो होते ही ओपन है, क्लिस्टोगेमस क्लोज होते हैं. गाइटोनोगेमी इन्वॉल्व्स द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. नो बेटा, गाइटोनोगेमी में प्लांट सेम रहता है, प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं. सो द आंसर इज ए. दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 2, इन विच आई हैव कवर्ड द इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक्स. ठीक है जी, अभी रह गया एक और पार्ट जिसमें हम अनदर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो प्लीज बी विद मी इन द पीवाईक्यू पार्ट 3. थैंक यू.